हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अर्चना राय ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है 1 जनवरी 2024, यानी कि नई साल। तो नई साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपको, आपके पूरी फैमिली को और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर कैसे विश कर रहे हैं, सॉरी कैसे मना रहे हैं, ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, और ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैंने बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं डाला है, तो अब मैं न्यू ईयर से ब्लॉग डालूँगी। रोज़ तो नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी ज़्यादातर डालने की। तो फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अभी तो हम चल रहे हैं अपनी बड़ी दीदी के यहाँ, तो वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, जैसे भी करेंगे। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं, तो चलिए मिलते हैं दीदी के घर पे। चलो हमारे सब्सक्राइबर को हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। ऋषभ तुम भी बोलो हैप्पी न्यू ईयर। तो बस अब हम लोग गाड़ी में आ गए, अब जा रहे हैं दीदी के यहाँ, और अब सीधे मिलेंगे दीदी के यहाँ पे। तो ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ देर बैठने के बाद चाय बनकर आ गई है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है झांसी में। तो बस हम और दीदी सब लोग बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे थे, और काजल चाय बना के ले आई थी। तो बस अभी हम लोग बातें करते करते चाय का मज़ा लेंगे, और थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है वो भी करेंगे, तो आप लोग के साथ सब शेयर करेंगे। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, और झांसी में सर्दी बहुत पड़ रही है। आप लोग बताना आप लोग कहाँ से हैं, और आपके यहाँ पर सर्दी कैसी पड़ रही है। और ये देखिए हमारी शैम्पियन की बोतल ये हमारा राम लाया था। तो अभी देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे, मैं भी कर रही हूँ, बच्चे भी कर रहे हैं। और ये लीजिए आप लोग चाय पीजिए, अब हम चाय पी रहे हैं, सब लोग चाय पियेंगे जब तक ये बच्चे पूरा डेकोरेट कर देंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहना, और आप लोगों से मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं। इस ब्लॉग के बाद मैं आप लाइव आऊँगी, तो उसका मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कब लाइव आऊँगी। तो क्योंकि आप लोगों से मुझे ढेर सारी बातें करनी हैं अपने सब्सक्राइबरों से। तो चलिए पहले तो सर्दी में चाय का मज़ा लेते हैं, और आप लोग ब्लॉग का मज़ा लीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर मैं तैयारी चल रही है। ये अमरूद खा रही हैं, चलो खाना के सब लोग बोलो हाय। हाय।
हाय हाय, तुम भी करो हाय। फोटो क्यों चली गई? और यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। तो आज खाने में बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव, ये सब। तो यहाँ पर मैं, हम और दीदी पूरी वगैरह बना रहे हैं। बच्चे जब तक खा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और जिया जी तो रात में ही आएंगे, तो तभी खाएंगे वो लोग। तो जब तक बच्चे वगैरह खा लेंगे, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं। हम दोनों बनाने में लगे हुए थे, बच्चे खा रहे थे। और यहाँ पर देखिए पूरा डेकोरेशन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना हम लोगों की सजावट आपको कैसी लगी। बस ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ी बहुत ही की थी। तो ये देखिए केक वगैरह सब रख दिया है, पूरा सज गया है। बस सब केक कटिंग होगी, बच्चे केक कटिंग करेंगे और उसके बाद न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। और हम लोगों की तरफ से आप सभी लोगों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोगों की सभी इच्छाएं इस साल पूरी हों। और आप लोगों से यही दुआ करती हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें। तो बस यहां पर अब हम लोग केक वगैरह खा रहे थे। हम लोगों ने बच्चों को सबको खिलाया है, आप लोगों को भी खिलाया है, आप लोग भी खा लीजिए। और बस अब के बाद शाम को जिया जी आएंगे, हस्बैंड आएंगे, बस खाना वगैरह खाएंगे। और बस यही था हम लोगों का थोड़ा। और केक कटिंग के बाद ये लोग भी आ गए थे, तो इन लोगों ने भी आपस में एक दूसरे को खिला दिया है केक। और बस हम लोगों का यही रहा है छोटा सा सेलिब्रेशन। आप लोग बताना आपने कैसा सेलिब्रेट किया, आप लोग कहाँ घूमने गए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की कुछ तस्वीरें हमने खींची हैं, तो वो भी मैंने लगा दी हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।